सर नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सतीश हसीजा। सतीश जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं गांधीधाम कच्छ से आया हूँ जी। गुजरात से जी? कच्छ गुजरात, गांधी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं जी गणेश जी और दुर्गा जी की पूजा करता था। सर, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आपके चेहरे पर जो इतनी फुंसियाँ हैं, ये सर क्या है, ये किस वजह से है? ये जी मेरे को क्या, ये बचपन में दादाबाग बुखार हुआ था, उसके बाद ये पूरे फुंसियाँ वगैरह हो गई थी। तो बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया, इसका कुछ इलाज ही नहीं था। डॉक्टर ने मना कर दिया कि इसका कोई साइंस में इलाज ही नहीं है। सर, क्या बीमारी आपको, डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर को ही पता नहीं था कि क्या है ये। पूरे शरीर में आपके? हाँ जी, पूरे शरीर में है। डॉक्टर को ही दिखाया था, तो ये डॉक्टर ने तो नाम नहीं बताया। कहीं ने कुछ बोल दिया, तो मेरे को नाम का भी ख्याल नहीं, तो बोला ये इसका कुछ इलाज नहीं होता है, इसे बोल दिया। सर, जो आप बचपन से पूजाएं करते आ रहे थे, क्या उन पूजाओं से आपको इस बीमारी में कोई लाभ मिला? नहीं सर, कोई लाभ नहीं, उल्टा बढ़ता जा रहा था, तकलीफें उल्टी इसकी बढ़ती जा रही थी। उल्टा बीमार बुखार, और बाहर निकलना मेरा ऐसा हो गया, निकलना ही मुश्किल हो गया था। धूप में आऊँ तो मेरे को 5 दिन घर पर रहना पड़ता था, ऐसी थी। अभी जो मेरी हालत आप देख रहे हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिया है, उसके बाद ये कम से कम 20% मुश्किल से रहा है। मेरे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी, यानी जो बाहर निकलूँ 1-2 घंटा निकलना पड़ता काम के लिए, मेरे 5 दिन घर पर रहना पड़ता था, 6 दिन तो कम से कम। और तकलीफ इतनी रहती थी, ज़्यादा निकलूँ तो मेरे को बुखार आना या नमूनिया टाइफाइड होना, ये तो तय ही था। यानी फिर ऐसा सर, आपको जो इतनी गंभीर बीमारी है, इसको लेकर के आपने किसी डॉक्टर को दिखाया? क्या आप किसी डॉक्टर के पास भी गए? डॉक्टर के पास सर गए थे, आयुर्वेदिक भी इलाज कराया था, आयुर्वेदिक में तो कुछ असर नहीं हुआ, उल्टा आयुर्वेदिक से बढ़ गया। और डॉक्टर ने तो मना कर दिया कि मेरे पास कोई इलाज नहीं है इसका, आप किधर भी जाओ। सर, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपको कैसे पता चला? मैं संत रामपाल जी महाराज कैसे पता लगा कि मैं क्या दुर्गा की भक्ति करता था, तो दुर्गा के पास जाता था हरदा से मैं, तो दुर्गा के पास जाने से एक बार मेरे को दुर्गा माता ने नींद में आके सपने में बोला कि आप जो है ना एक धरती पे संत परमात्मा है आप, दुर्गा ने बोला, उसके पास चले जाओ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती, वो आप संत जो हैं परमात्मा के रूप उसके पास जाएंगे, वो आपके लिए सब कर देंगे, आप वो ढूंढ लो, आपको वो मिल जाएंगे, कल आप वो ढूंढ लो, मेरे बारे में बताएंगे कि मेरी पूजा नहीं करनी है, वो मेरे से कोई अन्य बड़ा है, वो आपको बताएंगे कि मेरे से बड़ा कोई अन्य है, आप उधर जाओ। फिर मैं ढूंढने लगा कि यहाँ सत्संग देखने लगा, इधर उधर टीवी पे, तो टीवी पे जब सत्संग देखा, संत रामपाल जी महाराज जी जब सृष्टि रचना बता रहे थे, तो मालूम तब पता चला कि परमात्मा कौन है ऐसे। और दुर्गा जी भी हिमालय जो हिमालय से बात करती हैं, उनका भी देखा, दोनों देखने के बाद ही मतलब पता चला कि इस परमात्मा धरती पे संत रामपाल जी महाराज कबीर जी आ गए हैं। सर, आपके जीवन में एक बहुत विचित्र सी घटना है कि माता ने खुद आपको दर्शन दिए, सपने में आपको ये बताया कि उनसे ऊपर भी कोई परमात्मा है और उसकी जानकारी कोई गुरु आपको देगा। संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग जब आपने सुना, तो आपको लगा कि जो माता दुर्गा से ऊपर कोई भगवान बताते हैं। लेकिन सर, संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा भी लाखों करोड़ों की संख्या में धर्मगुरु हैं जो इन्हीं माताओं की पूजा करवाते हैं और वेद शास्त्रों का अध्ययन भी करवाते हैं, जो गीता का अध्ययन भी करते हैं, तो सर क्या वास्तव में उनको कोई ज्ञान नहीं है? नहीं, उनको सर उतना ज्ञान नहीं है सर, ये जो पूर्ण ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी के पास ही है, क्योंकि उनने पूरा ज्ञान खोल के रख दिया है, सब ग्रंथों से के खोल के रख दिया। और मेरे को जो दुर्गा ने बताया कि किसी की पूजा नहीं करनी है, मेरी भी नहीं करनी की है, संत रामपाल जी महाराज का नाम तो नहीं बताया था कि आप जाओ, वो संत आपको बताएगा किसकी पूजा करनी है। सर, माता दुर्गा के द्वारा बताए जाने के बाद आपने संत की खोज की और आपने पाया कि संत रामपाल जी महाराज जी वो संत हैं। सर, उनसे नाम दीक्षा कब लिया आपने? मैंने संत रामपाल जी से नाम 2014 जून में ली थी। सर, 2014 में आपने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली, तो सर क्या उसके बाद आपकी बीमारी में आपको कोई राहत मिली? मेरे को दूसरे दिन ही उधर ही जब आश्रम में था 3 दिन के लिए, मैं तो भक्तों को भी उधर आश्रम में पता है कि दूसरे दिन ही मेरे को यहाँ पे था उधर ही कम हो गया था, यहीं से खून वून सब निकलने का ये बंद हो गया था। तो आश्रम में जो भगत हैं उनको भी कईयों को पता है कि नाम दीक्षा लिया, दूसरे दिन भक्तों ने देखा था, खुद ही मेरी नज़र भी नहीं पड़ी थी, तो मेरे को दर्द भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो 3 दिन हुआ नहीं था वहाँ पे, यहाँ से पूरा कम होना आश्रम से ही मेरा शुरू हो गया था। आपका कहने का मतलब ये है कि ये फुंसियाँ फूटने लगी और ये ठीक होने लगी? हाँ, और कुछ मेरे को एहसास भी नहीं हुआ था। क्या संत रामपाल जी महाराज जी ने कोई दवाई दी आपको? नहीं जी, नहीं, कुछ नहीं, केवल आशीर्वाद दिया था। और जब मैं संत रामपाल जी के पास पहुँचा था, तो मैं काफ़ी दूर खड़ा था, तो 20-25-30 लोग खड़े थे भगत, तो मेरे को दूर से उन्होंने आशीर्वाद दिया और आगे आके हाथ रख के बोल मेरे को सिर पे बोला, बेटा आ गया? मैं बोला हाँ, मैं आ गया मालिक। तभी मैं समझ गया कि धरती पे भगवान आए हुए हैं, क्योंकि इसी तरह के कोई भी नहीं बोलता कि बेटा आ गया,
यानी उन्हें पता था कि इसको माता ने भेजा है और मेरे पास ही भेजा है, अभी मैं वहाँ मैं मालिक आ गया हूँ। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, हंस रहे थे, बस तब मैं समझ गया कि धरती पर भगवान आ चुके हैं। सर, आप संत रामपाल जी महाराज जी को परमात्मा बता रहे हैं, लेकिन उनकी वेशभूषा को देखकर, उनके रहन सहन को देखकर ये लगता नहीं कि वो संत हैं, तो सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, हम अक्सर देखते हैं कि जो संत भगवा वस्त्र धारण किए हों, गले में मालाएं हों, हाथ में कुंडल हो, उनको संत कहा जाता है। परिभाषा हमने और मान रखी कि संत जी ने जो ज्ञान दिया था वो ज्ञान में कि सिंपल वेज में भी मालिक जो आते हैं सिंपल वेज में ही आते हैं, उनको पहचानना हम पहचानना पड़ता है कि जो वेशभूषा सिंपल वेज में मालिक की होती है, जो आडंबन करते हैं या तिलक लगा के या मोटक बुटक बांध के वो करते हैं, वो सब नाटक है। ये पूरा संत रामपाल जी ने ग्रंथों से निकाल के बता दिया था कि जो संत जो रियल में होता है वो सिंपल वेशभूषा में सिंपल मानव में रूप में आते हैं। सर, और क्या क्या लाभ मिले संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद? संत रामपाल जी के नाम लेने के बाद जो मेरे आँखों की जो रोशनी थी वो थोड़ी बढ़ी है। मेरी इसमें ढाई नंबर था, मेरे इसमें चश्मे का नंबर घट गया मेरा, इसमें चश्मे का नंबर ढाई था, इसमें मेरा 7 नंबर चश्मे का था, तो उसमें मेरा 0.75 नज़र अभी कम है और उससे मेरा अभी 5.5 नज़र कम है, यानी मेरी नज़र बढ़ चुकी है। आपके चश्मे का नंबर कम हो गया? चश्मे का नंबर मैं अपने आप कम हो गया, कोई दवाई नहीं? नहीं, कोई दवाई नहीं। मैं डॉक्टर के पास इसलिए गया था कि मेरी नज़र कमज़ोर हो गई है। डॉक्टर ने बोला आपकी नज़र कमज़ोर नहीं, आपकी नज़र बढ़ कैसे गई है? कि भला किसी की नज़र बढ़ती नहीं है, मैंने आपने कुछ किया? मैंने कुछ नहीं किया है, मैं खाली गुरु जी की भक्ति करता हूँ और कुछ नहीं करता हूँ। और कोई लाभ? और बस आर्थिक लाभ ऐसा था कि मैं तो कुछ काम काज कर नहीं सकता हूँ, तो मालिक की दया से मैं जो भी हम जो घर में किराना राशन वगैरह जो लाते हैं वो 1-2 महीने का ज़्यादा चल जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से जितना भी उनको मिलता है महीने में वो उनको एकदम पूर्ण हो जाता है और भरपूर हम खा भी सकते हैं, ऐसा कुछ टेंशन नहीं होता है। सर, बहुत सारे ऐसे लोगों का मानना है कि संत रामपाल जी महाराज जी से जो भी नाम दीक्षा लेता है उनको 10,000 रुपये देने पड़ते हैं। सर, उनसे नाम दीक्षा के तौर पर फीस ली जाती है, तो सर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए कितने पैसे दिए? संत रामपाल जी ने उन्हें खुद मेरे को लाभ दिया उल्टा, ऐसे पैसे वगैरह जो सब जो है दूसरे संतों ने जानबूझ के फैला के रखा है, क्योंकि जब पीछे से कोई भगत भी संत रामपाल जी महाराज जी के पास जा नहीं पहुंचे इसके लिए झूठ फैला के रखा हुआ है, कोई फीस भी समय से नहीं ली गई है। उल्टा भक्तों ने पूछा था वहाँ पे जो भगत थे, अगर आपको अगर जाने के टिकट के पैसे भी नहीं हो तो हमसे ले लीजिएगा, आप यहाँ पे आइएगा। सर, आपने 2014 में संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, उसके तुरंत बाद बरवाला कांड हो जाता है, संत रामपाल जी महाराज जेल में चले जाते हैं। आपकी इतनी गंभीर बीमारी को ठीक करके संत रामपाल जी महाराज आज जेल में हैं, तो सर आज आपका उनके प्रति कैसा विश्वास है? उनका विश्वास ज़्यादा बढ़ चुका है क्योंकि वो सत्य सब बता रहे हैं, इसके लिए उनको सब लोगों ने जानबूझ के मालिक को फंसाया गया है, क्योंकि सब सत्य भक्त सब सारे संसार को न पहुँचे झूठों ने जानबूझ के किया है कि सब इसमें झूठ में रहें और सब काल के जाल में रहें। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत जी को सबको ये संदेश देना चाहेंगे कि आप सब जने मालिक का नाम लेके अपना कल्याण करें, अपने कुल का कल्याण करें। जी, धन्यवाद। सत साहेब जी।